सब्सक्राइब टू पॉप डायरीज एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। जैसे अभी दिलजीत ने कहा कि आपने सब अपने बलबूते पे किया एंड वी ऑल एग्री, यू नो रब ने बना दिया जोड़ी से लेकर अब तक, चाहे वो NH-10 का निर्माण करना हो, फिर उस फिल्म का कामयाब होना हो, इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठाना और सब, मतलब इस इंडस्ट्री के नहीं होने के बावजूद इतना सब कुछ करना, इस पूरे कैरियर में कभी आपको नेपोटिज्म का, परिवारवाद का सामना करना पड़ा है? मैं तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऑफ कोर्स, हाउ स्ट्रेंज, वो आ गया दिलजीत की मेहरबानी। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? सीरियसली, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे जितनी भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे, सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं। मेरा लॉन्च हुआ था यशराज फिल्म्स में, आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था। मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया। सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया। हम तीनों ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, यू नो, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे, जिसे बोलते हैं एक मौकाम या एक जो मेरी लाइफ बदली है, वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली, यू नो, जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था। तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली, कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं और उस अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ अगर कोई आउटसाइडर एक बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है तो कोई क्यों नहीं, मतलब कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, यू नो। सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कॉमेंट कर रही हूँ। मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ और जितना मुझे लाइफ में समझ हो रही है उतना मैं जान पा रही हूँ कि हर इंसान के स्ट्रगल्स और बैटल्स बहुत अलग होते हैं और मैं कम बहुत कम जजमेंटल होती जा रही हूँ डे बाय डे। तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने और उनके बैटल्स अपने रहे हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज ए ह्यूमन बींग कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। के सामने यहाँ, हाय हाय अनुष्का जी, हम देख रहे हैं कि फिलौरी आई मीन शशि जो है आजकल हर जगह स्पॉट कर रही है। हमने देखा कि कटरीना के साथ में भी हमने देखा आज उन्होंने स्पॉट किया, कुछ दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने ऑस्कर और जय वीरू के साथ में भी वो स्पॉट करते हुए हमने उन्हें देखा। तो आपको नहीं लगता कि शशि आई मीन जो फिलौरी हैं उनको क्रिकेट में भी स्पॉट करना चाहिए, प्लेयर को इनकरेज करना चाहिए, प्लेयर का हौसला बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये मेरे फिल्म से रिलेटेड कुछ लिटरली कुछ नहीं है, ये जहाँ जहाँ हमको लगेगा इंटरेस्टिंग है शशि का होना वहाँ वहाँ वो आपको दिखेगी और बस आप वेट करती रहे, आप आइडिया मत सजेस्ट करो, हम खुद ही अपने आइडिया सोच के आपको दिखाते रहेंगे और आप बस उस पर रिएक्ट करो, ठीक है, ठीक है, प्रॉमिस, ओके।